सब्सक्राइब करें हमें अंशु तक के चैनल को और प्रेस करें इस घंटे को ताकि आपको मिल सके टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले। सो गाइज, आप सब चाहते हैं कि आपके व्हाट्सएप में कुछ ऑसम फीचर्स हो जो कि आपके फ्रेंड्स नहीं जानते हैं। सो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु दत्त और आप देख रहे हैं 7 व्हाट्सएप ऑसम फीचर्स। सो विदाउट एनी टाइम लेट्स गो फॉर इट। तो गाइज, पहला जो फीचर है वो है सीक्रेट ऑडियो। सो अगर आप बस पे, ट्रेन पे, मेट्रो पे सफर करें और आपके फ्रेंड ने कोई सीक्रेट ऑडियो आपको भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू, तो कैसे आप उसको सुन सकते हैं? सो बेसिकली तो ये आप आपके ईयर पीस के थ्रू सुन सकेंगे। सो इसके लिए आप पहले वो कॉन्टैक्ट ओपन करें, ऑडियो को चलाएं और ईयर पीस के सामने अपना कान रख दें जैसे आप किसी को कॉल कर रहे हैं। सो देख सकते हैं हमारा ऑडियो चालू है, ऑडियो चल रहा है, लेकिन कोई भी स्पीकर से आवाज़ नहीं आ रही है। जो भी आ रही है ईयर पीस के थ्रू आ रही है, फिर इसे आप कान हटा दें तो ऑडियो पॉज हो जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल और हैंडी फीचर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो गाइस, आजकल जो भी हमारे फ़ोन में पहले हाथ देता है वो गैलरी से व्हाट्सएप इमेजेस पे जाके इमेजेस देखता है, लेकिन हमको नहीं पसंद कि कोई हमारे पर्सनल इमेजेस देखे, तो कैसे आप इसको हाइड कर सकते हैं? तो इसके लिए तो बेसिकली फाइल मैनेजर पे जाइए, उससे इंटरनल स्टोरेज पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाइए, मीडिया पे जाइए और उसके बाद व्हाट्सएप इमेजेस को सिलेक्ट करें, रीनेम पे जाए और फिर व्हाट्सएप इमेजेस के आगे एक डॉट लगा दे, तो इससे ये व्हाट्सएप इमेजेस हाइड हो जाता है आपके गैलरी और आपके फाइल मैनेजर से। तो उसके बाद अगर आपको फिर से शो करना है वो फाइल, तो आप आप शो हिडन फाइल्स करें, वहाँ पर व्हाट्सएप इमेजेस को सिलेक्ट करें, फिर से रीनेम पे जाए और फिर रीनेम के आगे वो डॉट हटा के डन करके हाइड हिडन फाइल्स कर दे, तो फिर से ये आ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट फीचर है वो है टू अकाउंट इन ए स्मार्टफोन। सो कैसे आप दो व्हाट्सएप अकाउंट एक स्मार्टफोन में चला सकते हैं? तो इसके लिए तो बेसिकली आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और फ्रीली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है पैरेलल स्पेस। सो अब जब पहले हाथ देंगे तो देख सकते हैं इतने सारे यहाँ पर दिखाते हैं और वहाँ पर जो सबसे ट्रेंड ऐप देख सकते हैं पेटीएम के बाद ही पैरेलल स्पेस है। ये काफ़ी लोग यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप लाइट को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं तो पैरेलल स्पेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ। सो उसके बाद पैरेलल स्पेस को ओपन करें, ओपन हो जाने के बाद ऐड पे जाए, यहाँ पर ऐड पे जाके व्हाट्सएप को ऐड करके जैसे आपने अपना रेगुलर अकाउंट ओपन किया था वैसे ही ओपन कर दे और उसके बाद आपका एकदम नया व्हाट्सएप चालू। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो है रिप्ले। सो शायद ये फीचर आप सबको ही पता है, लेकिन नहीं पता है जिन लोगों को उनके लिए ये फीचर है। तो काफ़ी समय हम जब ग्रुप पे चैटिंग करते हैं तो पता नहीं चलता कौन किसके साथ चैटिंग कर रहा है। सो ये फीचर बेसिकली उन लोगों के लिए ही है। सो सोचिए इन्होंने मेरे को हाई कहा है किसी ने, सो मैं इसका रिप्ले दूंगा इस वाले फीचर पे आके। सो आप उसका रिप्ले दे सकते हैं। सो देख सकते हैं जब वो यहाँ पर टैप करता है तो ये हाई पे आके सिलेक्ट हो जाता है। सो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है और अगर आप चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो फीचर है वो एक सेफ्टी फीचर है, एक सीक्रेट फीचर, एक प्राइवेसी फीचर है। सो इसके लिए तो पहले थ्री डॉट पे जाए, सेटिंग्स पे जाए, अकाउंट को ओपन करें और ये देख सकते हैं टू स्टेप वेरीफिकेशन नाम का इस फीचर पर टैप करें। सो ये फीचर बेसिकली क्या करता है, अगर आप एक फ़ोन में टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल कर देते हैं तो ये दूसरे किसी भी फ़ोन में आपके उस नंबर से नहीं अकाउंट बनेगा। अगर आप खुद भी नया फ़ोन करके उस अकाउंट को ओपन करना चाहे तो पहले वाले फ़ोन पे आके व्हाट्सएप में टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए तो बेसिकली टू स्टेप वेरिफिकेशन का आके एनेबल करें, एक पासकोड अपने मन मुताबिक दे दें, आपको जो भी देना है 6 वर्ड का, उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे दे, जो भी आपका जो है ईमेल एड्रेस है उसको दे दे। और ये ईमेल एड्रेस इसलिए ही है बेसिकली, ये ईमेल एड्रेस इसलिए ही दिया जाता है बिकॉज अगर अभी आप कभी भी अपना जो ईमेल है वो भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे। सो ये ईमेल एड्रेस उसी लिए है। सो आप प्लीज़ ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पर दे दें, और भाई ईमेल एड्रेस अगर आप नहीं देते हैं तो कोई भी यहाँ पर चारा नहीं बचता है। सो जैसे कि हमने हमारा ईमेल एड्रेस दे दिया है, देख सकते हैं, फिर सेव कर दे। सो ये अप्लाइंग सेटिंग्स दिखाता है और उसके बाद टू स्टेप वेरिफिकेशन इज एनेबल दिखाता है, आप डन कर दे। सो देख सकते हैं अगर आप चाहे चेंज पिन कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको फिर से डिसेबल करना है तो आप टू स्टेप वेरिफिकेशन के जाके इस डिसेबल ऑप्शन पर टैप कर सकते हैं। सो देख सकते हैं ये डिसेबल हो गया है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फीचर की तरफ। सो नेक्स्ट फीचर है वॉइस टाइपिंग। सो काफ़ी लोग जब किसी को बड़े बड़े मैसेज करते हैं और उनको नहीं पता कि हम क्या लिखें, बिकॉज काफ़ी बड़ा एक वर्ड हो सकता है कि क्या लिखें नहीं पता, नहीं काफ़ी बड़ा एक वर्ड हो सकता है, तो आप कैसे उसको लिखें? तो इसके लिए तो इस वाले टोगल पे आके टैप करें, जो भी बोलना है बोल, हे ब्रो हाउ आर यू,
सो देख सकते हैं। सो अब उसके बाद कट कर दे या फिर जो भी बोलना है बड़ा वर्ड बोल के सेंड कर दे। तो देख सकते हैं ये सेंड हो गया है। तो काफ़ी लोग करते हैं गूगल नाउ पे जाके, तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसे उसको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आके ये वाला जो ऑप्शन है ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो अगर आप आपके फ्रेंड्स को किसी कोई भी कुछ लिख रहे हैं, लेकिन व्हाट्सएप तो आपको एक ऐसा लैंग्वेज स्टाइल देता है, तो आप अगर चाहे तो स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सो इसके लिए तो बेसिकली आपको कुछ कोड वर्ड ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जैसे कि अगर आप बोल्ड है लिखना चाहते हैं, तो आप पहले एक स्टार लगाए, उसके बाद जो भी लिखना है लिख दे। सो देख सकते हैं ये बोल्ड हो गया है, आप सेंड कर दें। उसके बाद अगर आपको और एक स्टाइल में लिखना है, तो आप ये वाले पे टैप करें, फिर जो भी लिखना है लिखे, उसके बाद मैं ये वाला लगा दे। सो फिर सेंड कर दे, तो देख सकते हैं इसका एक नया स्टाइल जो है आपका सेंड हो गया है। सो बस यही थे कुछ ऑसम फीचर्स व्हाट्सएप के। सो अगर पसंद आता है तो लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, और शेयर इस वीडियो को करें ताकि आपको फ्रेंड्स भी जान सके व्हाट्सएप के कुछ ऑसम फीचर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे हिमांशु दत्ता चैनल को, ताकि आपको मिल सके हर टिप्स ट्रिक्स वीडियो सबसे पहले। सो गुड बाय, और बेल वाला आइकन को दबाना भाई।